बेस्ट न्यूज सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। वाड़ी परिसर में घर में घुसकर वृद्धा से सामूहिक बलात्कार, 1 लाख के गहने चुराए। चुनावी वर्ष में महानगर पालिका ने टाल दी कर वृद्धि। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। वाड़ी में एक वृद्धा के घर में घुसकर रेप किए जाने का मामला सामने आया है। देर रात तक पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई थी। पीड़ित 65 वर्षीय वृद्धा अकेली रहती है। उसका बेटा खापरखेड़ा में रहता है। वृद्धा सोमवार की रात घर में सोई थी। देर रात 2 से 3 लोग वृद्धा के घर आए। उन्होंने वृद्धा को चाकू की नोक पर धमकाया। इसके बाद उससे एक आरोपी ने शारीरिक संबंध बनाए। निर्जन परिसर तथा रात का वक्त होने से महिला आरोपियों का विरोध भी नहीं कर पाई। मंगलवार सुबह वृद्धा ने परिसर के लोगों को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस को बताया गया। घटना का पता चलते ही वाड़ी पुलिस हरकत में आई। अपर आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी, डीसीपी लोहित मतानी वाड़ी थाने पहुंचे। पुलिस टीम को आरोपियों की खोजबीन में रवाना किया गया। बताया जाता है कि इसके पहले भी महिला पर एक ट्रक चालक ने जबरदस्ती करने का प्रयास किया था। ट्रक चालक के लोगों ने धुनाई भी की थी। देर रात तक पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई थी। अगली खबर, बेलतरोडी के मेशराम लेआउट में एक मकान से 1 लाख रुपए के गहने चुरा लिए गए। अभिषेक नायडू 6 फरवरी की रात परिवार सहित शादी में बेसा गए थे। रात के वक्त चोरों ने ताला तोड़कर नायडू के घर में प्रवेश किया। बेडरूम से नकदी सहित 1 लाख रुपए के गहने लेकर फरार हो गए। बेलतरोडी पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज किया है। अगली खबर, महानगर पालिका चुनाव के सामने देख स्थायी समिति ने संपत्ति कर में बढ़ोतरी नहीं करने का निर्णय लिया है। हालांकि स्थायी समिति अध्यक्ष प्रकाश भूयर ने कोविड की वजह से खराब हुई लोगों की आर्थिक परिस्थिति को देखते हुए कर वृद्धि नहीं करने की बात कही। वर्ष 2022-2023 के लिए यह निर्णय लिया गया है। महानगर पालिका की आर्थिक स्थिति खस्ताहाल होने के बावजूद वर्ष 2015-2016 से कर में बढ़ोतरी नहीं की गई। प्रशासन की तरफ से कर में 5 से लेकर 10% तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव पेश हुआ था। प्रशासन ने यह भी दावा किया कि नागपुर महानगर पालिका की तुलना में अमरावती, नाशिक, पिंपरी चिंचवड़ महानगर पालिका में संपत्ति कर की दरें काफी अधिक है। इसी के साथ खास खबरों को यही विराम देते हैं। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार।